हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है वो स्त्री। संसार में हर गलत चीज़ की सजा अलग अलग तरह की होती है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे हर ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ती है। ये कहानी 21 वर्ष की सुमित की है, जिसने इतनी कम उम्र में ऐसे खौफनाक मंजर देखा है जो एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन काल में शायद ही ऐसा देखता होगा, क्योंकि इस तरह की घटना सड़कों में से किसी एक के साथ होती है। और आज सुमित की उम्र पूरे 55 वर्ष हो चुकी है और आज भी जब वो अपने बचपन की उस डरावनी चीज़ों को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर उसके साथ उस वक्त क्या हुआ था। ये बात बहुत पुरानी है, उस वक्त मेरी उम्र 21 साल की थी और एक दिन मुझे अपने गांव से दूर गांव एक पूजा में जाना था जहां भगवान शंकर की पूजा होने वाली थी। वो गांव मेरे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर थी और मुझे पैदल ही वहां जाना था, इसलिए मैंने शाम होने से पहले ही उस गांव के लिए रवाना हो गया था। कुछ ही घंटों में मैं वहां उस पूजा स्थल पर पहुंच गया। पूजा समाप्त होते होते रात के 2 बज चुके थे। वहां रुकने की जगह तो थी पर मैंने सोचा कि अब पूजा समाप्त हो चुकी है तो मैं अपने घर को ही लौट जाता हूँ। मैं उसी वक्त रात के 2 बजे उस अंधेरे में घर की ओर चल दिया। मैं एक कच्ची सड़क पे चल रहा था, तभी मुझे सड़क पे कोई सफ़ेद साड़ी पहने एक स्त्री दिखाई दी। मुझे लगा शायद उसे भी उस पूजा स्थल से होकर आना होगा। मैंने देखा कि वो स्त्री एकदम से रुक गई और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया पर अचानक मुझे उस स्त्री के हाव भाव कुछ अच्छे नहीं दिख रहे थे। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, पर वो कुछ भी नहीं बोल रही थी और मेरी तरफ आ रही थी। मैं समझ गया था इस अंधेरी रात में मेरा सामना एक प्रेत आत्मा से हो चुका है और मुझे इससे बचना होगा। मैं जानता था कि अगर मैं कच्ची सड़क पर रहा तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं तुरंत ही पक्की सड़क पर आ गया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि प्रेत कभी पक्की सड़कों पर नहीं आते। जैसे ही मैं पक्की सड़क पर आया, वो तुरंत ही वो प्रेत आत्मा मेरी नज़र से उझल हो गई और एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर में उसी सड़क पे खड़ा हो गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद वो प्रेत फिर से ना आ जाए। पर काफ़ी देर रहने के बाद भी वो वहाँ नहीं आई। तब मुझे लगा कि अब वो जा चुकी है और अब मुझे जल्दी से घर आ जाना चाहिए। अभी मैं थोड़ी ही दूर चला था कि फिर से मुझे अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत घबरा गया और मुझे डर लगने लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊँगा। मेरे पैर तेज़ी से बढ़ने लगे और मैं डर से अपने पीछे देख भी नहीं रहा था कि कोई मेरे पीछे आ तो नहीं रहा। तभी मेरे आगे एक मंदिर था जो फूस से बना हुआ था। मैं जल्दी से उस मंदिर में जाके बैठ गया। मैंने वहाँ देखा कि कुछ मूर्ति है जो अजीब से आकार की बनी हुई है, पर उस पे पीले रंग की सिंदूर लगी हुई थी। जैसे ही मैंने उस मूर्ति को स्पर्श किया, मुझे अंदर से बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। मैं समझ गया कि यह मंदिर कोई ईश्वर का मंदिर नहीं बल्कि एक शैतान पूजने की जगह है और इतनी देर में मैं इस मंदिर में बैठा हुआ हूँ। मुझे जल्दी ही यहाँ से
भाग जाना चाहिए, वरना मेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। डर से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि मैंने तब तक अपने पीछे आती हुई उस आवाज़ को सुनता रहा जब तक मैं अपने गांव को नहीं पहुंच गया। शायद वो आत्मा मेरा पीछा काफ़ी देर तक करती रही। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं कुशल पूर्वक अपने घर को लौट आया, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं काफ़ी देर उस शैतान के मंदिर में बैठा रहा था, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वहाँ से लौटने के बाद मेरा शरीर क्षति तो नहीं हुआ, पर मानसिक क्षति जरूर हुआ था। मैं रात भर हर दिन वही सोचता रहता था, मेरे सपने में वही मंदिर ख्याल में आता रहता था, और मैं गलती से भी उस मंदिर को दोबारा देखने नहीं गया कि आखिर वो मंदिर वहाँ है कि नहीं। मुझे लगता है कि कोई फैसला बहुत सोच समझकर लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह की गलती आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है। उस दिन सुमित की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया, नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। आज भी वो भयानक मंजर रात को उसको सपने में आके डराते रहते हैं। आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है डरावने सपने। गहरी नींद में सो रही मिताली आधी रात को डर कर अचानक अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। डर से उसका बुरा हाल था, वो पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। मिताली की आवाज़ सुन उसकी माँ भी जाग जाती है और मिताली से पूछने लगती है, क्या हुआ, तुम इतना घबराई क्यों हुई हो? लेकिन लड़खड़ाते जुबान से मिताली कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी माँ ने कहा, ठीक है, इस कमरे में अभी अंधेरा छाया हुआ है। और यह कहकर माँ लालटेन जलाने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। इधर डर से मिताली के दोनों आँखों की पुतलियाँ फैल चुकी थी। माँ को बाहर जाते देख अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि अचानक मिताली उस अंधेरे में घर का दरवाज़ा खोल दौड़ते हुए घने जंगलों की ओर जाने लगती है। माँ मिताली को देख उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती। माँ को पता था इतनी रात गए जंगलों की ओर जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए माँ ने तुरंत ही लालटेन को हाथ में लिया, खुद भी जंगल की तरफ जाने लगी। देखते ही देखते मिताली अपनी माँ की नज़रों से ओझल हो गई। माँ ने काफ़ी देर तक उस घने जंगल में मिताली को आवाज़ लगाई, लेकिन इधर उधर से उसका कोई अता पता नहीं चला। मिताली को ढूंढने के लिए सुबह का इंतज़ार करने के सिवाय माँ के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए माँ अपने घर को वापस आ जाती है। घर वापस आकर वह सुबह होने का इंतज़ार करती है। सुबह होते ही माँ जब मिताली को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है, तभी अचानक दरवाजे पर उसे मिताली खड़ी दिखाई देती है। माँ घबरा जाती है और पूछने लगती है, इतनी रात को तुम कहाँ थी? मिताली काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए माँ ने उसे कहा, ठीक है, पहले अंदर आओ, इसके बाद मुझे पूरी बात बताओ, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? माँ ने मिताली को पानी दिया और एक गिलास बढ़ाते हुए पूछा, आखिर इतनी रात को जंगल की तरफ तुम क्यों गई थी? मिताली ने कहा, माँ मुझे नींद आती है, लेकिन मैं सो नहीं पाती, क्योंकि जब भी सोती हूँ तो मुझे अपने सपने में एक बहुत ही डरावनी शक्ल की औरत दिखाई देती है, जो मुझे अपने पास आने को कहती है। तभी माँ कहती है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, तुम आराम करो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मिताली काफ़ी डरी हुई थी, वह कहती है कि नहीं, अगर मैं सो जाऊँ तो
वह मुझे अपने सपने में इधर उधर ले जाएगी। रात भर की थकान से मिताली की आँख बंद होने लगती है। अचानक उसकी नींद लग जाती है और मिताली गहरी नींद में चली जाती है। मिताली की माँ को लग रहा था शायद थकान की वजह से मिताली यह सब बातें कर रही है, शायद सोने पर उसे थोड़ा आराम आएगा। दोपहर के 1 बज रहे थे, तेज धूप थी, माँ को कुछ काम था, लेकिन इस बार माँ मिताली को अपनी नज़रों से ओझल होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए माँ वहीं बैठी रही मिताली के बगल में। मिताली को सोए हुए अभी 10 मिनट हुए थे, अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज़ आई। माँ एकदम से घबरा गई, उन्हें लग रहा था इतनी तेज धूप में आखिर बाहर कौन हो सकता है, और माँ दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। माँ ने दरवाजे को खोला तो उसके सामने एक औरत थी। माँ ने उससे पूछा, क्या चाहिए आपको? तो उस औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा एक छोटा बच्चा है जो खेलते खेलते कहीं गुम हो गया है, क्या आपने उसे देखा है? मैं काफ़ी देर से उसे ढूंढ रही हूँ, वह मुझे नहीं मिल रहा। माँ ने कहा, नहीं, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। और वो ये कहकर माँ दरवाजे को बंद कर लेती है। माँ फिर से मिताली के बगल आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में माँ ने देखा कि मिताली नींद में भी बेचैन नज़र आ रही है। वो लगातार हाथ पैर इधर उधर कर रही थी, ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने कसकर जकड़ लिया हो। माँ उसे तुरंत ही जगाने लगती है, लेकिन तभी मिताली फिर अचानक से शांत हो जाती है। माँ को लगता है शायद फिर से उसे कोई बुरा सपना आया होगा। मुझे इसे नहीं जगाना चाहिए था, लेकिन मिताली नींद में जब करवट लेती है तो उसकी पीठ पर बने पंजे के निशान देखकर माँ के होश उड़ जाते हैं। माँ ने तुरंत ही मिताली को नींद से जगा दिया और पूछने लगी कि आखिर तुम्हारे पीठ पर यह निशान कैसे आए? मिताली ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे यह नहीं पता कि मैं जंगल की तरफ क्यों गई थी। मिताली ने तुरंत ही अपने माँ से कहा, वह औरत कोई साधारण औरत नहीं, वो एक प्रेत है जो मुझे नहीं छोड़ेगी। वह हर समय मेरे पास ही रहती है, वह हर बार मुझे अपने साथ लेने के लिए आती है। अब माँ को भी समझ आ गया था कि वो औरत जो बाहर दरवाजे पर आई थी वह प्रेत ही थी, और मिताली के पीठ पर बने निशान देखकर माँ को पूरा यकीन हो गया था कि हमारे घर के अंदर कोई आत्मा मौजूद है जो हमारी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। माँ ने मिताली को लेकर तांत्रिक के पास जाने के लिए सोचा। तांत्रिक के पास पहुंचकर इन्होंने सारी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, पहले मैं आपके घर को देखना चाहता हूँ। और ये कहकर तांत्रिक उनके घर की ओर उनके साथ आने लगा। उनके घर को देख तांत्रिक को झटका लगा। उसने कहा, आपको पता होना चाहिए था कि आपका घर एक कब्र के ऊपर बना हुआ है, इसके नीचे कई सारे लाशें दबी हुई हैं। अगर आपने जल्दी ही इस घर को नहीं छोड़ा तो आपको कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने उसी समय सारा सामान बांधकर उस गांव को छोड़कर चले गए। उन्होंने गांव वालों को भी नहीं बताया था कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्हें डर था कि कहीं वो प्रेत फिर से उनके पीछे ना लग जाए। 22 वर्ष की मिताली इस घटना की कुख्यात सबूत थी। इसके बाद मिताली ने उस घटना को फिर से कभी याद नहीं किया, क्योंकि वह खौफनाक यादें फिर से मिताली को सोने नहीं देती। लेकिन वो निशान आज भी मिताली के शरीर से नहीं मिटते हैं।
उम्मीद करते हैं ये कहानी तुमको पसंद आया होगा यार। अगर तुमको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो यार, कौन रोक के रखा है, फ्री में तो होता है। पता है तुमको, तो अगर तुम ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो ना, तो कितने महीने बीत गए, खैर 1.5 महीने बीत गए, लेकिन 1.5 महीने लगातार वीडियो अपलोड करने के बाद भी तुम देख सकते हो कितना घटिया व्यू आता है। अब क्या ही कहें हम यार, करो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो जिसको डराना है डराओ, डरा के फाड़ दो उसकी, फाड़ो यार, क्या क्या कर रहे हो तुम, डराओ उसको, तुम्हारी फट गई हो तो बात अलग है लेकिन फिर भी यार शेयर करो, क्या काहे का वेट करते हो, कर ही दो शेयर। चलते हैं, बाय बाय।